हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है पोटा कलेजी मसाला की, और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बिल्कुल अलग है, खाने में बहुत बढ़िया है और आपको ये ज़रूर ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं मसाला बनाने से। तो यहाँ पर मैंने लिया है जीरा और धनिया, इसका मैंने सेपरेटली अलग अलग मसाला बना लिया है। और ये मसाला बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेडीमेड यूज़ नहीं करना है आपने। धनिया और जीरा फ्रेश आपने पीसना है और उसका बनाना है। तो ये हमारा पोटा जो है ये तैयार है। अब चलिए हम लोग जिंजर और गार्लिक को मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं। तो अदरक लहसुन हमारा कट चुका है दोस्तों, इसको हमने चॉप कर लिया है। अब हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, अगर आपको और तीखा पसंद है तो आप और हरी मिर्च डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या करा है दोस्तों, जो पोटा और कलेजी है इसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इससे होगा ये कि हमारा जो पोटा कलेजी है आराम से पक जाएगा। अब लेना है आपने तेल, तेल को गर्म करना है और इसमें सीधे आपने पोटा डाल देना है। तो ये पोटा हमने डाल दिया दोस्तों। आप चाहें तो पोटे का जो फैट होता है उसको निकलवा सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही रखा है। इसके बाद पोटे को आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्राई करते वक्त आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही फ्राई कर लें। तो ये पोटा हमारा फ्राई हो चुका है दोस्तों। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ अदरक और लहसुन और इसको हल्का सा भून लेंगे। और इसी के साथ साथ हमने इसमें डालनी है हरी मिर्च। हरी मिर्च को बारीक बिल्कुल नहीं काटना है आपने, मोटा मोटा ही रखना है। तो दोस्तों अब बारी है, हम लोग इसमें डालते हैं प्याज का पेस्ट। कच्चा जो प्याज है उसका मैंने पेस्ट बना लिया है मिक्सी में और इसको इसमें डाला है। इसको भी आपने थोड़ा सा भून लेना है। बस दोस्तों इसमें याद रखिएगा, पोटा और कलेजी दोनों साथ में नहीं डालना है, क्योंकि दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। अगर आप पोटे को कम पकाएंगे तो कच्चा रह जाएगा और कलेजी को ज़्यादा पकाएंगे तो वो ओवर कुक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें डालते हैं मसाले। यहाँ पे डाली है लाल मिर्च का पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, इसके बाद धनिया का पाउडर जो हमने फ्रेशली ग्राउंड किया हुआ है। इसी के साथ साथ हमने डालना है जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। तो सारे मसाले डाल चुके हैं, इसको चलिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। दोस्तों ये मसाले हमारे पक चुके हैं, हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डालते हैं टमाटर की प्यूरी। ये घर पे बनाया हुआ फ्रेश टमाटो प्यूरी है, बाज़ार की नहीं है। आप चाहें तो बाज़ार वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर वाली आप ज़्यादा प्रेफर करिएगा यूज़ करने का। तो इसके बाद हमने इसको पका लेना है। हमारा जो मसाला है वो बस कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो कलेजी है। तो एक कलेजी इसमें डालने के बाद दोस्तों अब इसको थोड़ी देर भून लें इसी तरह से, लगभग 3 से 4 मिनट, और आपका ये जो कलेजी पोटा मसाला है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों ये बिल्कुल तैयार है, चलिए इसको खाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं।
तो ये हमारी सजावट सारी हो चुकी है, चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, लग रही है ना बढ़िया। तो दोस्तों ये जो कलेजी पोटा मसाला है, मैंने इसको छोटे पीसेस में इसीलिए काटा है ताकि आराम से खाया जा सके, और टेस्ट इसका दोस्तों बहुत ही लाजवाब है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा आपको ये पसंद आया कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई रेसिपी में, एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।